Hi everyone, welcome back to my channel. So today's video is going to be one of the videos that has been requested a lot on my channel, and I think starting from last year, and I'm finally filming my closet tour and organizing video for you guys. Ab maine is video ko simply itne dinon tak isliye nahi banaya kyunki I was not sure if I want to share my closet space with you guys, because it is a very personal and a very private space for anyone. Lekin then I realized that when I have shown my room to you guys, what's the problem with showing the wardrobe? So finally I have sat down, and in fact I'm standing and I'm making this video. Aur meri closet jo hai wo hamesha saaf nahi rehti hai, बहुत गंदी भी हो जाती है बहुत बार. और क्लॉज़ेट साफ़ करना एक ऐसा काम है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इफ़ आई हैव टू क्लीन माई क्लॉज़ेट, आई नो के 4-5 घंटे तो लाइक कहीं भी नहीं गए, और वो बहुत ज़्यादा टायरिंग काम है. और ये एक ऐसा काम है जो मैं हमेशा कल कल पे टालती रहती हूँ, और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी क्लॉज़ेट ज़्यादा से ज़्यादा महीनों के लिए क्लीन रहे और ऑर्गेनाइज रहे, बिकॉज दैट सेव्स मी ओनली अ लॉट ऑफ टाइम. तो एनीवे ये मेरी क्लॉज़ेट है, जो ये और एक ये क्लॉज़ेट है जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से मेरा रूम टूर या किसी वीडियो में मैंने बाहर से ही दिखाई है. और ये जो है ये मेरी प्राइमरी क्लॉज़ेट है जो मैं यूज़ करती हूँ. और मैं पहले ही आई'd लाइक टू अपोलोजाइज इफ़ दिस इज़ नॉट यू नो इफ़ इट्स नॉट शोइंग प्रॉपरली, बिकॉज यहाँ पे जहाँ मैं खड़ी हूँ बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब जस्ट आई हैव स्पेस इनफ टू स्टैंड, और बेड शुरू हो जाता है तो मैं दूर दराज के दर्शन नहीं दे पाऊँगी अपने क्लॉज़ेट के, बट आई एम श्योर यू गाइज अंडरस्टैंड. और चलिए शुरू करते हैं, एंड आई विल टेक यू थ्रू माई क्लॉज़ेट. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरी क्लॉज़ेट है. दिस इज़ अ 3-door wardrobe, और ये वाला जो है इसमें ज़्यादातर के बुक्स, बैग्स, मेरा कैमरा इक्विपमेंट वगैरह वो सब है. और ये है मेरी कपड़ों की क्लॉज़ेट जो मैं प्राइमरली यूज़ करती हूँ, और दिस इज़ हाउ इट इज़. आपने ये मेरे हर वीडियो में देखी हैं, तो आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दीज क्लॉज़ेट्स. इस छोटी अलमारी की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं बुक्स हैं, मेरे बैग्स हैं, सम आर इन प्लास्टिक, सम आर इन कवर, सम आर जस्ट केप्ट लाइक दिस, सम मोर बैग्स आई हैव हियर. यहाँ पे कैमरा इक्विपमेंट है, नीचे मेरे सनग्लासेस हैं, कुशंस हैं, एंड सम मोर घर का सामान यू कैन से. ये है मेरी मेन क्लॉज़ेट विच इज़ द 2-door closet, और ये कुछ ऐसी दिखती है. और ऑब्वियसली अभी साफ़ है, और मैं कोशिश करती हूँ कि ये जितनी हो सके उतनी साफ़ रहे, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं रहता है, तो फिर बहुत टाइम निकल जाता है इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि आप कपड़े भी निकालते हैं, फिर फेंकते हैं, रखते हैं जो चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट जैज़. तो शुरुआत करती हूँ मैं इस टॉप शेल्फ से. अच्छा, ये जो अलमारी है ये मेरी कस्टम मेड है, यानी कि जब हम लोग ने यहाँ शिफ्ट किया था तो ये डिज़ाइन मैंने बनवाई थी ख़ास उस तरीके के लिए जो मेरे लिए आसान रहे. तो आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है यही सेक्शन है मेरा पूरा, मेरे सारे कपड़े यही हैं, माइनस द नाइट वेयर विच इज़ इन माई वार्डरोब, वॉशरूम वार्डरोब. और फिर ये ऐसे ड्रॉर्स हैं, नीचे एक सेक्शन है, उसके नीचे एक और सेक्शन है, और एक ग्लास सेक्शन है ऊपर की तरफ. तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं मेरा मैकबुक का बॉक्स रखा है. ये जो है ये मेरी वेडिंग एल्बम है, और वो मेरे पुराने कैमरे का बॉक्स रखा है. और ये जो है ये मेरे हस्बैंड का एक ब्लेज़र है विच ही हैज़ केप्ट हियर, क्योंकि मैं वो शेल्फ यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं वहाँ पहुँचती ही नहीं, तो मैं अपना सामान वहाँ रखने का कुछ फ़ायदा नहीं, तो इसलिए उन्होंने रखा हुआ है. एंड ही इसका कवर्ड इट विथ एनुअल बेडशीट, क्योंकि मेरे घर में बहुत धूल और डस्ट रहती है जो अलमारी के भी अंदर जाती है. ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंस, बट दैट डज हैपन. ये जो है लाइक आई सेड ये मेरा मेन सेक्शन है, और आप देख सकते हैं कि कुछ कपड़े फोल्डेड रखे हैं और कुछ मैंने टांग रखे हैं. मैंने इसको किसी भी ऑर्डर में नहीं रखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बस मैंने जीन्स एक तरफ रखी हैं, टॉप्स एक तरफ रखी हैं, और फिर कुछ
कपड़े मैंने जो है टांग रखे हैं। तो ये जो है ये मेरे जीन्स हैं, और इस साइड मैंने अपने जीन्स रखे हैं, इस साइड मैंने अपने टॉप्स रखे हैं, टी शर्ट्स रखे हैं, एंड आई लाइक टू कीप देम फोल्डेड लाइक दिस, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप एक कपड़ा अपना देख सकते हैं, आपको कौन सा ड्रेस वेयर करनी है। और कई लोग अपने टी शर्ट्स और टॉप्स जो है हैंगर पे टांगते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक फुल लेंथ सेक्शन नहीं है, दिस इज़ ओनली हाफ लेंथ। तो मैं अगर ये सब टांगूंगी तो फिर ये जो सेक्शन है मेरे लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं रहेगा। और सबका अपना अपना स्टाइल और तरीका होता है कपड़े ऑर्गेनाइज करने का, किसी का भी सही गलत या अच्छा बुरा नहीं होता, टू ईच हिज ओन, और दिस इज़ हाउ आई फील इज़ बेस्ट फंक्शनल फॉर मी। तो जैसा मैंने बोला, यहाँ मेरे डेनिम्स हैं, मैंने एक पेपर लगा रखा है क्योंकि सफाई के टाइम क्या होता है, आसानी होती है, पेपर उठाओ फेंको एंड दैट्स इट। और मैं ये ग्लॉसी वाला पेपर लगाती हूँ बिकॉज दैट्स व्हाट आई लाइक इट। सो दीज आर माई जीन्स, एंड ऑन टॉप ऑफ माई जीन्स आई हैव केप्ट सम लेगिंग्स विच आर ऑल न्यूट्रल कलर्स। इस साइड जैसे मैंने बोला मेरे टॉप्स और टी शर्ट्स हैं, और मैंने इन्हें ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है ताकि यू नो लाइक द वे यू गेट इट इन शॉप्स। और ऐसे रखने से मुझे फ़ायदा है कि आई कैन सी विच क्लॉथ विच टी शर्ट और व्हाट टॉप आई वांट टू वेयर फॉर द डे, एंड आई कैन जस्ट टेक इट आउट एंड आई एम डन। ये एक ऐसा क्लॉथ रखा है सो दैट आई कैन जस्ट डस्ट इट, डस्ट माई वार्डरोब इफ इट्स डर्टी, तो आई जस्ट केप दैट हियर इन द मिडल सेक्शन बिकॉज आई हैव सम मोर स्पेस। आई कुड हैव केप्ट these things here, but I didn't want to clutter this area, I wanted to let it have some space so that you know it doesn't look very cluttered. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पीछे मैंने एक Urban Decay का बैग रखा हुआ है, जब मैंने जो मुझे मिला Urban Decay के स्टोर से, जब मैंने पेरिस से ख़रीदा था सामान उनके स्टोर से। ये एक बैग है, ये जस्ट शादी का कोई बैग है मुझे बहुत पसंद आए तो मैंने रखा है, और इसके अंदर भी एक छोटा सा ऐसा ही क्यूट सा बैग है। एंड दिस लिटल डूड इज़ माई पिगी बैंक, येस आई हैव अ पिगी बैंक बिकॉज वाई नॉट। और ऊपर की तरफ की बात करें तो यहाँ मैंने अपने मिनी स्कर्ट्स टांग रखी हैं, एंड आई हैव सम स्टोल्स एंड सम स्कार्फ्स, एंड आई हैव लाइक अ फैंसी नाइट टॉप, एंड इसके पीछे ये जो है ये मेरे कुर्ते हैं जो मैंने लाइफ स्टाइल्स और मैक्स स्टोर से लिए हैं, जो मैं उन लेगिंग्स के ऊपर पहनती हूँ। और इसके पीछे द ओनली सलवार सूट पीस दैट आई ओन इन माई लाइफ इज हैंगिंग, और जो मैं पहनती भी नहीं हूँ, तो आई एम श्योर वो बहुत जल्दी डिस्कार्ड होगा। और ये वाइट टॉप भी इसी के साथ टंगा रहता है। और मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने कपड़े एक हैंगर में ऐसे दो कपड़े टांगती हूँ सो दैट इट इज़ स्पेस सेविंग, और ज़्यादा मुझे हैंगर्स और ये सब फिर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे क्या होता है कि जैसे मैंने अपने 10 स्कर्ट्स जो है ये सिर्फ 5 हैंगर्स में टांग दिए, एक ये देखिए इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, और क्योंकि ये मिनी स्कर्ट्स हैं सारी तो दे डोंट कम ऑल द वे डाउन, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ईजियर फॉर मी टू रिमूव माई जीन्स एंड ऑल बिकॉज दे हैंग जस्ट हाफ लेंथ। उसके नीचे अगर मैं बात करूं तो ये हैं 4 ड्रॉर्स हैं, ये एक ड्रॉर, ये दूसरी, तीसरी और ये चौथी। और ये ड्रॉर की डिज़ाइन भी मैंने खास बनवाई है, मुझे कहीं दिखी थी एंड आई लाइक्ड इट सो आई गॉट इट डन दिस वे, दिस इज़ अ ग्लास वन। ये है ऊपर का ड्रॉर, और इसमें देख सकते हैं मेरे वॉलेट्स हैं, ये वो वॉलेट्स हैं जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और ये गेस्ट से है, और ये मैंने एक आई डोंट नो सम फेयर से लिया था, ये शॉपर्स ड्रॉप से लिया हुआ है। और ये एक पाउच है जिसमें घर की चाबियाँ वगैरह पड़ी रहती हैं सो दैट्स वाई आई कीप इट हियर। यहाँ पे मेरे कुछ न्यू सॉक्स हैं जो मैंने ख़रीद के रखे हैं फॉर माई रनिंग, सो दीज आर डिफरेंट, दीज आर स्पोर्ट्स शूज सॉक्स, दीज आर जस्ट नॉर्मल सॉक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर कॉल्ड आई डोंट नो व्हाट आर दीज कॉल्ड, या दीज आर कॉल्ड फुटलेट्स। तो ये मैं जनरली घर पे पहनती हूँ ताकि पैर साफ रहें, तो ये भी अभी मैंने नए खरीदे हैं, यू कैन सी नाइस किटी डिज़ाइन, तो ये पैर में भी अच्छे लगते हैं और पैर साफ रहते हैं। और बस यही सब रखा है, नीचे सम एल्बम्स आर केप्ट, फोटो एल्बम्स एंड ऑल, तो वो सब रखा है इस ड्रॉर में। और यहाँ मैंने कुछ ऐसे पाउचेस, और ये जो है मोबाइल साफ करने के लिए या चश्मा साफ करने के लिए कपड़ा है। ये वाली जो ड्रॉर है ये मेरी लॉन्जरी की ड्रॉर है, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड
obviously it's lingerie, so I'm not going to give you in-depth view of this. तो यहाँ मैंने अपने socks रखे हुए हैं जो मैं घर पे भी पहनती हूँ और जो मैं running के लिए भी ले जाती running के लिए भी पहनती हूँ. तो you see I have some more footlets out here. Like I said, I wear them a lot because धूल मिट्टी बहुत रहती है. तो I just keep them in this pouch so that you know जब साफ करें ये drawer तो ये pouch उठाया और it's easier. ये थोड़ा फैंसी स्टफ है और ये जो है ये मेरे स्पोर्ट्स के हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई वेयर व्हेन आई गो रनिंग. सो दिस इज़ जॉकी एंड दिस आई गॉट फ्रॉम शॉपर स्टॉप. आई डोंट रिमेंबर द ब्रांड ऑफ इट बट आई गॉट इट फ्रॉम शॉपर स्टॉप. सो या दैट्स व्हाट दैट ड्रॉअर इज़ अबाउट. कमिंग ओवर टू दिस साइड, दिस ड्रॉअर हैज़ व्हाट आई लाइक टू कॉल इज़ द गैजेट ड्रॉअर. और गैजेट ड्रॉअर का मतलब है इसमें हमारे सारे फ़ोन्स और कैमरा के एक्सेसरीज वगैरह हैं. यू कैन सी देर आर सम एक्स्ट्रा फ़ोन केसेस विच वी बाय एंड देन वी कीप चेंजिंग दैम. दिस इज़ आई थिंक इट्स अ ट्रैवल international travel charger. This is a box which has my SD cards. This is my phone connector where I can transfer my data to my MacBook. We have our phone boxes here. These are power banks and some more USB chargers, old ones, which I have just kept in this because it's usable, old, but we can still use it. और इस ड्रॉअर में जो है ये ड्रॉअर ज़्यादा यूज़ नहीं होती है. इट्स जस्ट माय वॉचेस, माइकल कोर्स एंड जोर्डानो जियो कलेक्शन वॉच, माय फास्ट ट्रैक वॉचेस एंड सम मोर हियर. दिस इज़ आई थिंक अ टाइटन रागा वॉच. ये वो वॉचेस हैं जो जस्ट मैं डेली पहनती हूँ. और कुछ पाउचेस हैं यहाँ पे, सम मोर पाउचेस and these are the travel makeup bags which are now empty but I take when of course I'm traveling. अब बात करती हूँ इस सेक्शन की. इस सेक्शन में as you can see कुछ चादरें हैं जो न्यू हैं, एक्स्ट्रा हैं, गेस्ट्स लोग के लिए यूज़ होती हैं. सो दे आर क्लीन एंड अनयूज्ड वंस एंड देन आई हैव एन एक्स्ट्रा बेड कवर. आई हैव सम एक्स्ट्रा कुशन कवर्स. और ये जो दो हैं इसमें मेरे वर्कआउट क्लोथ्स हैं, द वंस दैट आई वेयर व्हेन आई गो रनिंग. सो आई हैव माय टॉप्स इन दिस वन. यू कैन सी ऑल सॉर्ट्स ऑफ टॉप्स. एंड इन दिस वन आई कीप माय ट्रैक्स एंड ऑफ कोर्स कैमिसोल्स आर ऑल्सो इन दिस. ये ऐसे कपड़े के होते हैं जो एक जैसे इसे एक में कंटेनर में काफ़ी सारे टॉप्स और टी शर्ट्स आ गई हैं जो आई मीन नॉर्मल इनके साथ पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू नो दे के नॉट बी फोल्डेड इन दैट वे. बट ये हो सकता है बिकॉज ऑफ द क्लॉथ दैट दे आर एंड सेम गोज़ फॉर द ट्रैक्स इज वेल. तो इसलिए ये मैंने इसमें रखा है एंड आई फाइंड इट वेरी 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 कन्वीनियंट. और नीचे के सेक्शन में आते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं सम मोर ब्लैंकेट्स, वॉश्ड एंड क्लीन ब्लैंकेट्स. बिकॉज व्हेन आई चेंज माय ब्लैंकेट्स आई ऑलवेज कीप वन ब्लैंकेट व्हिच इज़ ऑलवेज वॉश्ड एंड क्लीन एंड रेडी टू यूज़. ये जो है ये बैग है और इसमें मैंने रखा हुआ है अपने क्या कहते हैं अपने स्कार्व्स एंड स्टोल्स. क्योंकि और मैंने उसको प्लास्टिक में इसलिए रखा है ताकि डस्ट एक्यूमलेट ना हो. और ये एक लहंगा है और उस लहंगे को मैंने उसके बैग में रख के और उस बैग को इस चादर इस शीट बेडशीट में इसलिए ढका हुआ है ताकि डस्ट एक्यूमलेट ना हो. क्या कहूँ, इट्स टू मच, इट्स लॉट ऑफ डस्ट इन माई हाउस. यू गाइज विल नॉट बिलीव इट इवन. तो बस यही है. ये नीचे वाला जो सेक्शन है दिस इज़ नॉट यूज. सो दैट्स जस्ट वन ड्राई क्लीन रग विच इज़ केप्ट देयर जो बेडरूम में बिछा हुआ था लेकिन मैंने अब हटा दिया है. तो बस यही है मेरी वार्डरोब, मेरी छोटी सी वार्डरोब विथ माय छोटी सी कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स. और हाँ, इस वजह से आई फील्स यू कैन सी द इतना स्पेस है. इट लुक्स ओपन, इट लुक्स क्लीन, इट लुक्स नाइस. तो अगर आपके पास बहुत हैं कपड़े और आप सोच रहे हैं कि मैं उसको कैसे उनको मतलब ऑर्गेनाइज करूँ, तो डू कंसिडर हैंगिंग टू क्लोथ्स इन वन हैंगर बिकॉज ट्रस्ट मी दैट इज़ वेरी 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 यूजफुल. ऑलराइट, सो दैट वॉज ऑल वट इज़ माई wardrobe for you guys. I'm literally standing on the bed क्योंकि नीचे खड़े होके मतलब it's just very weird. तो anyway यही मेरी wardrobe है और आप देख सकते हैं कि इसका जो है सिंपल मैंने रखा है. I don't do a lot of jazzy things in my life. तो yeah, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको पसंद आई हो तो. और अगर आप मे बी क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजिंग या ऐसा कुछ वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून. डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू हिट ऑन द बेल आइकन. और सोशल मीडिया लिंक्स मेरे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा रहते हैं. प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर
फेसबुक पे मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ, बट मोस्टली ऑन इंस्टाग्राम. सो या आई सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर. बाय.